बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे ये गैस वाला कंप्रेसर काडा 1250G। ये काम नहीं कर रहा, पहले इसे खोल लेते हैं। दोस्तों, इस किस्म के कंप्रेसर में इसका जो कंप्रेसर होता है, इसे खोलने के बाद आप देख लेंगे इसका जो वाइंडिंग है वो कॉपर वाइंडिंग का नहीं होता, जो हम सिल्वर वाइंडिंग कहते हैं। यानी सिल्वर वाइंडिंग मतलब एलुमिनियम का वाइंडिंग होता है। इसे खोल गया, इसका कंप्रेसर है। लाइटिंग टूल, इसके वायर्स हैं। इसके पाइप भी खोल लेते हैं। इसके तो इसको हम मज़ीद खोलेंगे। बेसिकली इसका काम होता है कि जो सुई गैस होता है ना, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसकी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। एक तो लोड शेडिंग उसकी भी होती है, और दूसरा ये कि गैस बहुत ही कम होता है। तो ये लोग ख़रीद कर ये कंप्रेसर इसके ज़रिए उस सुई गैस को बूस्ट करता है। तो ये एज अ रेगुलेटर, गैस रेगुलेटर काम में लाया जाता है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये इस पर 6 स्क्रूज लगे होते हैं। मैं जल्दी जल्दी से खोल लेता हूँ। चलिए इसका बेस वाला ढक्कन, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि इसमें एक कॉइल होते हैं, ये सिल्वर वाइंडिंग है, तो इसलिए इसके जो कनेक्शन है वो ख़राब हो चुके हैं, बूसीदा हो चुके हैं। तो इसके कनेक्शन दोबारा कर लेते हैं। तो इस कॉइल का ये एक तार जो है ये टूट गया है, तो इसे जम्पर करके मैं इसे एक साथ लगा लेता हूँ और दूसरा भी चेक कर लेता हूँ। ये वाला ठीक है, इसका कनेक्शन ठीक है, मगर ये वाला कनेक्शन टूट गया है। तो ये तो सिल्वर वाइंडिंग है, इसे सोल्व भी नहीं कर सकते हम। चलो कुछ करते हैं।
तो दोस्तों मैंने ये सोल्ड कर दिया है, चलो इसे चेक कर लेते हैं। कॉइल तो ठीक हो गया, अब इसका प्रेशर चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह, अब इसका प्रेशर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रिपेयर हो चुका है और इसका प्रेशर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको उसके बॉडी में फिट करके फिर उसे इसे कस्टमर के हवाले कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहाँ तक, अगर वीडियो पसंद आए तो आप उन लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह रिपेयरिंग के हवाले से वीडियोस अपने चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।